बंदर वो लिंक आपके पास आ गई है ना, बाद में इसके लिए फीडबैक की आई है सर, आई है। यस यस यस, चलिए ठीक। सर नमस्कार। नमस्कार जी, वेलकम वेलकम। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए सर। अभ्यगन साहब नमस्ते। चेयरमैन साहब मोस्ट वेलकम। सुनील जी नमस्कार। अभ्यगन साहब नमस्कार। दिलीप मोदी नमस्कार। नमस्कार या गवर्नर साहब या मोदी साहब। सरदार साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते दिलीप भाई। नमस्ते 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 सुनील भाई। गुजरात जी नाना नमस्ते। राजशेखर नमस्ते। सुनील सुतार जी नमस्कार। लॉयन पीएस बग्गा। बग्गा साहब नमस्ते। नमस्ते वेलकम जी। बग्गा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्कार जी। कौनसिल चेयरमैन साहब को नमस्कार। वेडी जी वन अजय गुप्ता। विवेक जी नमस्ते। डॉक्टर अजय गुप्ता जी का स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार वाइस गवर्नर साहब की तरफ से। जय ठक्कर जी नमस्कार। नाम आपका पढ़ते रहता हूं मैं मेल्स में, कई मेलों में और कहीं ईमेल्स पे। अजय जी नमस्ते। नमस्ते जी सभी को। जुलानिया जी नमस्कार। राजशेखर जी नमस्ते। लर्नर्ड फैकल्टी पीडी जी बग्गा साहब नमस्ते। नमस्ते सुनील जी नमस्ते। यस सर। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के इटामे एरिया के जो के मुंबई छोड़ के ऑल महाराष्ट्र में ये मल्टीपल होता है 3-4 और इसके ये गेट इसामे एनरिच के फोर्थ एपिसोड में मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस सेमिनार में हमारे मल्टीपल से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3-4 D1 से लॉयंस सुनील सुतार, 3-4 H1 से राजेंद्र जी बग्गा और 3-4 H2 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप जी मोदी, साथ ही फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर D1 से राजशेखर कापसे और साथ ही सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर D1 से भोजराज जी जो आज इस हमारे सेमिनार में उपस्थित है, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे काउंसिल चेयरमैन विवेक जी अभ्यंकर जो ये जो भी हमारे ये सेमिनार से जो पिछले 3 सेमिनार्स हुए हैं उसमें भी वे हमारे साथ थे, आज के भी सेमिनार में वे हमारे साथ थे है और मैं उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही दोस्तों जो आज के हमारे जो दो प्रेजेंटर्स है परमजीत सिंह जी बग्गा जो के डिस्ट्रिक्ट 3-2-3-3 G1 हमारे अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट के समय वे हमारे 3-2-3 में गवर्नर थे और उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथ ही लालजी वर्मा जो के डिस्ट्रिक्ट 3-1 B1 से है और वे वहाँ पर एज ए कैबिनेट ऑफिसर काफ़ी वर्षों से वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और गुड इवनिंग सर। मैं हाँ जी अब मैं हमारे काउंसिल चेयरमैन विवेक जी अभ्यंकर को आमंत्रित करता हूं कि वे
आज के इस सेमिनार का इनॉग्रेशन और साथ ही साथ अपने उद्बोधन यहाँ पर दे। विवेक जी धन्यवाद। जय जी, आई हियर बाय इनॉग्रेट टुडेज ईसा में एनरिच प्रोग्राम विच हैज बीन ऑकरिंग इन अवर डिस्ट्रिक्ट फॉर द फिफ्थ टाइम। इट इज द फिफ्थ प्रोग्राम इन कंटिन्यूएशन, ये श्रृंखला जो चल रही है। आज के सभा के टोटल कन्वेनर जयेश जी ठक्कर विद द गाइडेंस ऑफ अवर गैट लीडर कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया लीडर नरेंद्र जी भंडारी, आज के फैकल्टीज पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन पी एस बग्गा जी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट 3233 G2, लॉयन लालजी वर्मा फ्रॉम 321 B1, और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स प्रेजेंट, D1 से सुनील सुतार, H1 से राजेंद्र जी बग्गा और H2 से हमारे अपने लॉयन दिलीप जी मोदी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन निम्बाकर जी एंड ऑल प्रेजेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस ईसा में एनरिच प्रोग्राम, हमको एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए मिल रहा है, और FDI ग्रेजुएट्स को प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे गैट लीडर टीम ने दिया है। इट हैज गिवन अ ग्रेट इम्पेटस टू ऑल ऑफ अस, ऑल द लीडर्स एंड प्लेटफॉर्म हैज बीन गिवन। ऑल FDI ग्रेजुएट्स आर इम्पार्टिंग देयर वैल्यूएबल नॉलेज विच दे हैव गेन ओवर लॉन्ग लॉयनिस्टिक एक्सपीरियंस एंड the utilization of that knowledge is possible all over our ISAME through this ISAME Enrich program. Today only in our multiple we have inaugurated Leo RLLI on virtual platform, jo leadership development mein bahut ek acha base nirman kar rahe hai, and in addition to this and topping to this आज का ईसा में एनरिच का प्रोग्राम भी हो रहा है। लेट अस एंजॉय द इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑफ द ग्रेट स्पीकर्स टुडे हु आर गोइंग टू गिव अस इंफॉर्मेशन। लेट अस अंडरस्टैंड इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। जय हिंद, जय लायन। थैंक यू काउंसिल चेयरमैन विवेक अभ्यंकर जी। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं के इस वर्ष ग्लोबल एक्शन टीम ने लीडरशिप को ज़्यादा महत्व देते हुए, क्योंकि जो प्रोग्राम हम पिछले 3 वर्षों से करना चाह रहे थे, लेकिन पिछले वर्ष हमने इसकी प्लानिंग शुरू की, और इस वर्ष हमने ये जो ईसा में एनरिच का जो प्रोग्राम है हमने कार्यान्वित किया, और ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया लीडर नरेंद्र भंडारी जी ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो मुंबई से है चौधरी जी, साथ ही आनंद मेहता और रुचिता मेहता, और साथ ही नागा राजू ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने के लिए काफ़ी आगे बढ़कर आए, और उनका भी मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये जैसा 4th एपिसोड है, और आज के इस सेमिनार में काफ़ी अच्छे ऐसे सब्जेक्ट्स हमने लेकर आए जो कि एक लॉयनिज्म को अपने आप में किस तरीके से हम ढाल सकते हैं और किस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन को और एनरिच कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो पहले प्रेजेंटेशन में मैं इनवाइट करना चाहूँगा पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर परमजीत सिंह बग्गा जी को, जो कि डिस्ट्रिक्ट 3233 G1 उज्जैन से है, G2 से है, और वे एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2015-2016 में वे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। साथ ही उनका FDI ग्रेजुएशन दुबई में उन्होंने 2018 में किया था, और वे एज अ फैकल्टी काफ़ी RLLIs, BLLIs और डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूलिंग्स होते
पीएसटी स्कूलिंग्स, कैबिनेट स्कूलिंग्स, उसमें उन्होंने अपनी शिरकत दी है, अपनी सर्विस दी है, और ऐसे अनुभवी एफडीआई ग्रेजुएट जो कि आज हमारे बीच में एलसीआईएफ डोनेशन एंड रिकग्निशन के ऊपर हमें एनलाइटन करने वाले हैं, ऐसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बग्गा जी को मैं यहाँ पर इनवाइट करता हूँ। बग्गा जी, फ्लोर इज ऑल योर्स, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ। मुझे वो पूरा अनडिवाइडेड मल्टीपल जिसमें मेरे 16 गवर्नर्स थे और D1, D2, H1, H2, फिर उन्हीं साथियों के साथ आज उनके बीच में हूँ। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हेयर। आज इस मल्टीपल के गेट इनरिच सेमिनार में उपस्थित सभी डिग्निटरीज, सीनियर्स, लॉयन लीडर्स एंड फेलो लॉयंस का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ जी। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर, आवाज आ रहा है आपका। राइट राइट। आज का जो सब्जेक्ट आपके साथ लेकर आपके बीच आया हूं, वो सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत ही करीब है। दिल के करीब इसलिए है क्योंकि ये सब्जेक्ट लायंस क्लब इंटरनेशनल एसोसिएशन का भी जो दिल है, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो उसका दिल है और ये मेरा दिल है। हम आज उसी दिल से रिलेटेड बात हम आपके सामने करने वाले हैं। साथियों, आपको पता है कि पूरे विश्व में आज अनेकों क्लब एक से बढ़कर एक परमानेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और यदि आज हमारी ब्रांड इमेज पूरे विश्व में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे शहर के अंदर आज हमारे लॉयंस की बनी है, तो वो बनी है हमारे प्रोजेक्ट्स के कारण, हमारे सेवा कार्य के कारण। और सेवा कार्य के लिए फंडिंग कौन, कहां से आती है? लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन से। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको इस सब्जेक्ट पे आपके साथ में कुछ समय निकालने वाला हूं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हुए। इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्ट इंटरनेशनल डायरेक्टर नरेंद्र भंडारी जी, जो गेट कॉन्स्टिट्यूशन एरिया 6 के लीडर हैं, पास्ट काउंसिल चेयरपर्सन जयेश ठक्कर जी जो गेट एरिया लीडर हैं, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयंस सूरज बागला जी जो मेंटर हैं कलकत्ता से, सीए विवेक अभ्यंकर जी मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, लॉयन विनोद वर्मा जी मल्टीपल जीएलटी कोऑर्डिनेटर, लॉयन मंदार दाते जी कोऑर्डिनेटर टेक्निकल, मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने सभी ने किसी न किसी के रूप में मेरी मदद करी है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आज के सेशन ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे एलसीआईएफ की, फिर हम सर्विस एरियाज पे बात करेंगे, फिर टाइप ऑफ डोनेशंस टू एलसीएफ पे बात करेंगे, डोनर्स को किस तरह रिकग्निशन मिलना चाहिए उस बारे में बात करेंगे, और कुछ मल्टीपल 3-4 के एलसीएफ कंट्रीब्यूशन के साथ ही साथ कुछ फोकस पॉइंट्स पे भी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो क्यों ना हम शुरुआत करें हमारी उस हिस्ट्री के साथ जो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने 1968 से जो काम किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज इंजॉय करिए। 68. Today we are forging ourselves into an organization almost 1 million strong, determined to help solve worldwide problems of hunger, disease, illiteracy. Lindsay and other Lion leaders recognize that a foundation would strengthen Lion service locally and globally. The first grant was given when the Black Hills flood devastated Rapid City, South Dakota. When earthquakes destroyed Managua, Nicaragua, Lions around the world were among the first to respond. From the beginning, many clubs could earmark funds for disasters. Lions from many countries through the Lions International Foundation helped my country to rebuild. This was the most violent earthquake in the history of Mexico.
highest wind was 164 miles an hour. Every time there's been a disaster, who's always been in the front line? It's Lions. The Lions have given hope to thousands of people like me. The outpouring of love helped us to be on our feet again. In the last decade alone, the foundation has provided nearly $100 million for disaster relief. When Hurricane Katrina struck, we raised $14,000. साथियों आपने देखा कि किस तरह 1968 से हमारा फाउंडेशन बनने के बाद पिछले 10 साल में 100 मिलियंस का उन्होंने डोनेशन प्रोवाइड किए डिजास्टर के ऊपर. जब 1968 में फाउंडेशन हमारा प्रारंभ हुआ था तो हमारे जो फोकस एरियाज थे वो थे विजन, डिजास्टर रिलीफ और लायंस क्वेस्ट. हमने विजन पे बहुत अच्छा काम किया है, तभी हमको नाइट ऑफ द ब्लाइंड की हमको टाइटल मिली. साइट फर्स्ट टू के द्वारा हम लोगों ने क्रमशः पहले 147 मिलियन डॉलर का और उसके बाद में 200 मिलियन डॉलर्स के फंड जनरेट करके न जाने सैकड़ों हॉस्पिटल्स खोले और कितने ही लोगों को हमने ट्रेन किया और कितने लोगों की सेवा करी. लायंस क्वेस्ट में हमने लाखों बच्चों को हमने ट्रेन किया, उनके टीचर्स को ट्रेन किया. और अब हम ये देखें कि पूरे वर्ल्ड वाइड और कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है. Isn't just our home. This is where we are called to serve. And that call always begins with a roar. Amplified across communities. 1.4 million Lions answering the call across 8 global causes. Empowering your service with every donation and every hour committed. Fighting diabetes in 36 countries, bringing hope to families facing childhood cancer, helping 488 million see their world again, providing comfort and aid when disaster strikes, building our future through mentoring the youth of our communities. Then suddenly, our call to serve became deafening. Within 90 days, the pandemic locked down 1.3 billion people globally. And that was just the beginning. Multiple wildfires in the United States, a devastating explosion in the heart of Beirut, punishing floods in Japan, an earthquake rocking Croatia, unrelenting bushfires in Australia, massive storms and devastating flooding in India, destructive hurricanes ravaging Central America. It's difficult to imagine anything more powerful than a pandemic. Intensified by wildfires, hurricanes, typhoons, and earthquakes. But there is 48,000 clubs worldwide magnifying their service like never before. Lions, united to take on the challenges posed by multiple threats through grants, fundraisers, and their fearless service. Lions Clubs International Foundation awarded more than $5 million in COVID-19 frontline relief grants to Lions to purchase personal protective equipment for frontline workers, slowing the spread of the pandemic. Online, Lions and Leos came together to show their support in a myriad of ways, from sing-alongs to telethons to virtual fundraisers that grew in popularity worldwide, inspiring members from Indonesia to Italy. Despite the endless challenges the world faced in 2020, Lions never stopped serving, and they served safely, putting those funds and goodwill to good use to create real impact when help was needed most. As we regain momentum in 2021, there's no limit to where we can go, how we can serve, and the kindness we can create. We are your foundation. Who determines the foundation's impact? You. As citizens of the world, the amount you contribute determines how far your donations can go. Campaign 100 will magnify Lions service throughout the world. Lions Clubs International Foundation, LCIF, is your foundation. The number of grants you request determines the number of projects that can be completed. Together, we can respond quickly for a powerful impact. The power is in your hands.
nations, your service, your leadership, all help bring peace, prosperity, and understanding to the world like no other organization can. We are Lions. We are Lions. मैं जितनी बार ये वीडियो देखता हूँ मुझे गूज़बम्स आने चालू हो जाते हैं। यानी इतना मुझे गर्व होता है कि मैं किस संस्था के साथ जुड़ा हूँ जिसने पता नहीं पूरी दुनिया में कितने काम किए हैं, कितने लोगों की चेहरे पर खुशी लेकर आए हैं, कितनों के आंसू पोंछे हैं, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी। लायंस क्लब इंटरनेशनल, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मेम्बर्स हमारे इंडिया के अंदर हो गए हैं, यहाँ भी हम पीछे नहीं हैं। जैसा कि आपको पता है कि LCIF मेनली जो उसके ग्लोबल कॉजेस जिस पे काम करता है, विजन, यूथ, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, डायबिटीज, चाइल्डहुड कैंसर, हंगर और एनवायरनमेंट के ऊपर LCIF की ग्रांट्स मिलती है। हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में 2000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और करीब 700 करोड़ से ज़्यादा उन प्रोजेक्ट के लिए LCIF फंड कर चुका है। अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी 80G का हमको छूट दे दी है कि जो भी हमको डोनेशन मिलेगा वो उसके अंतर्गत हमें छूट मिलेगी इनकम टैक्स के अंतर्गत। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन हैज एन इम्पैक्टफुल प्रेजेंस इन इंडिया। वी आर अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन दैट पजेस सेवरल डिवाइसेस दैट अलाउ आवर मेंबर्स टू सर्व कम्युनिटीज लोकली, रीजनली and nationally through humanitarian service grants, projects and partnership. Lions क्या करते हैं? Lions heal करते हैं। आज हम medical की बात करें तो 9.1 million cataract surgery, 100 million measles vaccination, 293 million doses prevent river blindness के लिए, trachoma surgery is 899, 3.2 मिलियन विजन स्क्रीनिंग कर चुके हैं, और भी पता नहीं हम लोग सेवा के क्षेत्र में कितने काम कर चुके हैं। इसी प्रकार लॉयंस बिल्ड 130 मिलियंस की हम लोग मदद कर चुके हैं डिजास्टर ग्रांट्स के रूप में, 4600 ग्रांट्स दे चुके हैं इमरजेंसी, 831 हॉस्पिटल्स हम लोग रिनोवेट कर चुके हैं, उन्हें मशीनरी दे चुके हैं, और 3.3 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स बना चुके हैं। लॉयंस टीच 18 मिलियन स्टूडेंट्स को हम लोग लॉयंस क्वेस्ट के माध्यम से हम लोग उनकी मदद कर चुके हैं, 600,000 एजुकेशन ट्रेन इन सोशल एंड इमोशनल ट्रेनिंग। वी आर द चैंप, 56 इयर्स में हम लोगों ने वुमेन्स के ऊपर, स्पेशल ओलंपिक्स के ऊपर, ऑटिज्म के ऊपर, विजुअल इम्पैक्ट के ऊपर, फिजिकली डिसेबल्ड के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, अंडर प्रिविलेज लोगों के ऊपर, न जाने हमने कितने, पिछले 100 साल का इतिहास, हमारा गौरवशाली इतिहास। हमें ऐसा लगता है कि ये समय, ये एरा खत्म ही ना हो, पर आपको पता है पूरे 100 ईयर्स के, पास्ट 100 ईयर्स के जो चैलेंजेस हमने फेस किए, नेक्स्ट 100 ईयर्स हम लोगों के सामने और भी ज्यादा चैलेंजेस लेके आया है। जैसा कि आपने देखा कि अभी कोरोना के रूप में हमारे पास चैलेंजेस आए, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारी आपदा आती हैं प्राकृतिक, जिसके पीछे हम लोगों को काम करने के लिए नए नए विजन, नए नए क्षेत्र हम लोगों को खोलने पड़ रहे हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को। साथियों, कैंपेन 100, यदि 100 साल हमारे बहुत अच्छे गए हैं तो नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन का भी विजन उतना ही ब्रॉड है। उन्होंने कैंपेन 100 को हमारे बीच में लेकर आया। जैसा आपको मैं थोड़ा सा कैंपेन 100, क्योंकि ये आज का जो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन है ये पूरा एक प्रकार से विजुअल ट्रीट है। जब मैं अपना पूरा प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था तो इतने इतने बढ़िया वीडियोस जो हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के वेबसाइट के ऊपर उपस्थित हैं कि मुझे लगा कि यदि मैं जितनी बातें आपसे करूंगा उसके बजाय यदि मैं आपको विजुअली वो सारी चीज़ें दिखाऊं कि हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन क्या कर रहा है, हम आगे और हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं या क्या क्या प्लान है, तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो के द्वारा आपको और अच्छे तरीके से उसे समझ में आएगा।
आपने देखा कितना विजन हमारा ब्रॉड है, कितनी हमारी तैयारी है अगले 100 सालों के लिए, कितने नए नए क्षेत्र हमारे सामने खुलते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा चाइल्डहुड कैंसर, डायबिटीज को हम लोगों ने इन्वॉल्व कर लिया, तो और भी हमें नहीं पता कि आगे चल के हमको कितना एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमारी सर्विस एक्टिविटीज को। पर ये सर्विस एक्टिविटीज को हम कैसे कर पाएंगे, वो तभी कर पाएंगे और अभी तक हुए भी तब हैं कि जब हमें हमारे पूरे 14 मिलियन लॉयंस ने जेनरसली हमें सपोर्ट किया है। आगे आपसे पूछना चाहूंगा, आप चैट बॉक्स में आप प्लीज मुझे बताएं कि यदि हमें ये फंड्स की जरूरत है तो हमारे पास लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के पास में ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं कि जिसके द्वारा उसको उनको फंड प्राप्त हो सकते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में आप मुझे, मैं देखना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के पास जो इतना बड़ा फंड है आज हमारे पास में, वो किस तरह है, किस तरह हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं जो हमारे रिसोर्सेस हैं। सबसे पहले लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है एमजेफ पीएमजेफ से। नेक्स्ट 100 इयर्स के लिए एलसीएफ कैंपेन 100 के द्वारा हम लोग फंड इकट्ठा करेंगे, जिसका हमारा टारगेट है $300 मिलियन, जिसमें करीब $200 मिलियन हम इकट्ठा भी कर चुके हैं। मॉडल क्लब्स खोले जाएंगे, उस मॉडल क्लब के द्वारा हम लोग फंड जनरेट करेंगे। क्लब कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जैसे आपने देखा कि अभी जितने क्लब एक्सीलेंस प्रेसिडेंट का यदि उसको अवार्ड चाहिए तो उस पर्टिकुलर क्लब को एलसीएफ के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। इसी तरह कॉरपोरेट डोनर्स है हमारे पास में, वो हमें इस टारगेट को पाने के लिए, इन सर्विसेज के लिए हमें मदद करेंगे। और इसी तरह उन डोनर्स को जो हमें मदद करेंगे, उसके लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले हम बात करें मेलविन जोन्स फेलो की। यदि कोई मेलविन जोन्स फेलो बनते हैं तो उन्हें $1,000 का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और उन्हें बहुत सुंदर एक खूबसूरत सी पिन मिलती है। और एक आपने देखा कि ये जो प्लेक जो हाथ में पकड़ा हुआ है, ये उन्हें प्राप्त होता है अपने ऑफिस या अपने घर में लगाने के लिए, एक प्राउड मोमेंट के रूप में कि मैंने देखिए $1,000 मदद की है लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन में, न जाने उसका कितने लोगों को उसका फायदा होना है। इसी तरह पहले मेलविन जोन्स फेलोशिप जब हम लोग लेते थे, $1,000 के जब हम लोग मेंबर बने हैं, उस समय लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ये हमें लिबर्टी नहीं देता था, हमें $1,000 हमारे कहाँ यूज होने हैं। लेकिन अब उन्होंने हमें इतना फ्रीडम दिया है कि जब हम $1,000 डोनेट करते हैं तो उस फॉर्म के अंदर वो हमसे पूछते हैं कि आपको ये $1,000 कहाँ यूज करना है। क्या आप एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट नीड के लिए देना चाहते हैं, आप डिजास्टर में मदद करना चाहते हैं, आप साइट में मदद करना चाहते हैं, आप यूथ के लिए देना चाहते हैं, या आप मीजल्स प्रोग्राम के अंदर आप देना चाहते हैं, आपके पास में इतनी लिबर्टी है, आप इस तरह दान कर सकते हैं। अभी तक पूरे दुनिया में 440,000 एमजेएफ हैं और 89,000 पीएमजेएफ हैं। ये वीडियो देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने आपको कुछ टिप्स दिए हुए हैं, उस टिप्स को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो के बाद में आपको चैट बॉक्स में उसे मेंशन करना है। LCIF recognition programs provide an opportunity to express gratitude to donors while strengthening the foundation. The Melvin Jones Fellowship Program was established in 1973. Today, a majority of LCIF's funding comes through this recognition program. For a contribution of $1,000, a club or district can honor someone with a Melvin Jones Fellowship. My club recognized me with the Melvin Jones Fellowship for my leadership in the club and participating in district and state activities. It's a great honor.
Melvin Jones Fellows receive a pin, a personalized plaque, and the satisfaction of knowing their donation will have an impact. It contributes to the alleviation of suffering in the world, and it gives a lasting memory to the person in whose honor the Melvin Jones Fellow is awarded. Clubs, districts, and multiple districts are encouraged to use Melvin Jones Fellowships as a way to recognize individuals for hard work, dedication, and leadership. I received the Melvin Jones Fellow from the 15 governors in the state of California. Excited having that money go towards the many great causes that the foundation supports. Melvin Jones Fellows are invited to a special luncheon at the International Convention, and clubs with 100% MJFs receive recognition. Many clubs and districts use the MJF program as a way to support LCIF on an annual basis. Our club has a tradition to honor the past presidents by giving them a Melvin Jones Fellow. This is to encourage other people to come up through the ranks to serve as president and to work hard during their presidency. Clubs and districts also organize fundraisers to benefit LCIF, knowing that this support furthers Lions programs globally and locally. This is about $14,000. With that donation, we were able to recognize 14 of our members with Melvin Jones Fellowship. Lions who receive an MJF are often motivated to extend their support to the foundation. Cumulative donations between $2,000 and $100,000 receive a progressive Melvin Jones Fellowship. I'm going to keep giving because I believe in what Lions Club International Foundation is doing throughout the world. Each additional donation of $1,000 is honored with its own unique pin. LCIF can address more humanitarian needs because Lions provide generous ongoing support through many levels of progressive Melvin Jones Fellowships. After $50,000, progressive Melvin Jones Fellows receive a distinctive pin with every additional $10,000 contributed. Cumulative donations of $100,000 and above receive the highest recognition from LCIF, Humanitarian Partners. There are four levels. Bronze begins at $100,000, silver at $200,000, gold at $300,000, and platinum at $500,000. Between each of these levels, a new stone is added with every additional $20,000 donated. I don't believe there's any better way to address the humanitarian needs here in my community and globally around the world than to donate to LCIF. It's continuously taking and supporting people's projects all around the globe. An individual can never address the crisis, but together we can make a difference. आपने देखा इस वीडियो के अंदर MJF बनना कुछ क्लबों के अंदर ट्रेडिशन है. उस क्लब के अंदर वो लोग कंपलसरी हर साल उन्होंने तय करके रखा हुआ कि हम लोगों को MJF बनाना है. और आपको कौन सी बात इसमें अच्छी लगी? और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो एक मेरे दिल को छुई और मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसको कैच किया कि नहीं किया, यदि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. चलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है. जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि एक क्लब का एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि वो क्लब अपने आउटगोइंग प्रेसिडेंट को ऑनर के रूप में उसे MJF बनाता है. इस ट्रेडिशन के तहत उनके हर साल उनके पास में एक एक MJF बन जाता है. कुछ क्लब हमारे हिंदुस्तान में, पहले तो वर्ल्ड वाइड था, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ क्लब ऐसे हैं जो 100% MJF क्लब बन गए. इस तरह अलग अलग प्रोग्राम चला के कुछ लोग उसकी किटी चला रहे हैं, कुछ लोग उसका ड्रा करते हैं कि आप लोग $100 के हिसाब से या ₹5,000 आप लोग इकट्ठा करें. 20 मेंबर हैं हम, हर महीने एक या दो ड्रा निकालेंगे, हर महीने कोई ना कोई एक MJF बनता है. देयर आर सो मेनी वेज, हर
क्लब, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गवर्नर एक अपना अलग तरीका निकाल रहा है अपने एमजीएफ आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है मॉडल क्लब का। मॉडल क्लब की बात करने के पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिखाना चाहूंगा। हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को या हर क्लब में रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन या हमारे क्लब के प्रेसिडेंट्स हैं, वो यदि सिर्फ इस बात के लिए मोटिवेट करें कि $100 यानी सिर्फ 7,500 रुपए वह व्यक्ति यदि डोनेट करता है तो वो कितने लोगों को अलग अलग तरीके से फायदा पहुंचा सकता है। यदि वो 7,500 रुपए देगा, 2 लोगों की कैटरेक्ट सर्जरी करा सकता है, लायंस क्वेस्ट के एंटायर क्लासरूम का 1 साल का खर्चा दे सकता है, 4 लोगों को, 4 ऐसे पीड़ित जो बेचारे डिजास्टर के कारण पीड़ित हैं उनकी मदद कर सकता है, मीजल्स वैक्सीनेशन फॉर 100 चिल्ड्रन वो करवा सकता है, डायबिटीज स्क्रीनिंग करा सकता है, चाइल्डहुड कैंसर 8 लोगों यदि उन्हें बच्चों को चाइल्डहुड कैंसर है तो वो उनकी मदद कर सकता है उनकी डायग्नोसिस में, उनकी दवाओं में, रेगुलर एक्सेस टू फूड फॉर 14 इन नीड पीपल 14 लोगों को वो खाने के लिए लगातार मदद कर सकता है और 14 व्यक्तियों को वो स्वच्छ जल प्रदान कर सकता है। इतने ऑप्शन उसके पास में है यदि वो चाहे तो अपने $100 को यदि वो सिर्फ डोनेट करे लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को तो वह इस तरह पूरी मानवता की मदद कर सकता है। मॉडल क्लब के बारे में ये कॉन्सेप्ट देखिए कितना बढ़िया LCIF ने चुना है। Campaign 100 model clubs are powerful sources of financial support in our call to serve humanity. Support that results in club recognition and LCIF grants for your important service. And the best part, your club's ability to reach model club status and earn recognition is closer than you think. The first step is calculating your club's financial commitment. The formula is simple, 500 multiplied by the number of club members. For example, if a club has 10 members, the total commitment is $5,000. Or if a club has 25 members, the total commitment is $12,500. Here's where it gets exciting. While the deadline to fulfill the club's commitment is June of 2023, club donations since July 2017 apply towards the goal. That's almost 5 years to reach the model club financial commitment of $12,500 for a 25-member club. So, let's discuss how a club can reach their goal. When the sample club's treasurer begins thinking about various sources of funds. Model club ke liye $500 यदि एक में आपके क्लब के अंदर यदि 10 मेंबर हैं, यदि $500 इकट्ठा करते हैं तो $5,000 होते हैं। मोस्टली बाहर होता है लेकिन हम यदि अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ क्लब्स के 20 मेंबर्स रहते हैं, तो 20 मेंबर्स को यदि हम 500 से मल्टीप्लाई करें तो करीब $10,000 होते हैं। $10,000 यदि हम 2017 से लेके 2021 तक 2023 तक, अब 1 साल और पीरियड बढ़ा दिया है, यदि हम ये $10,000 हम लोग यदि अपने क्लब के द्वारा LCIF को डोनेट करते हैं तो हमारा क्लब मॉडल क्लब हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मेंबर को उसमें कंट्रीब्यूट इतना ही इक्वली करना है। मान लीजिए 4 MJF हमारे पास बन गए $1,000 के, तो $4,000 उसके इकट्ठा हो गए। एनुअली हमारा क्लब कॉन्ट्रीब्यूट करता है, यदि उसने $3,000-4,000 के हिसाब से यदि उसने तीन साल तक यदि उसने $9,000 उसने कर दिए या $1,000 कर दिया या $2,000 किया, तो MJF का अमाउंट प्लस उसका कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, ये सारा अमाउंट क्लब करके यदि $10,000 हो जाता है तो वो मॉडल क्लब बन जाएगा। लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने मॉडल क्लब के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन दिए हैं। यदि वो मॉडल क्लब $500 का है तो उसे एक बैनर पैच मिलेगा, यदि वो $750 पर मेंबर के हिसाब से डोनेट करता है तो विजनरी मॉडल क्लब, यदि 200% मॉडल क्लब के हिसाब से यदि $1,000 देता है तो उसे सिल्वर ब्रॉन्ज शिवरन मिलेगा, या उसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे गोल्ड और उसके बाद में प्लेटिनम। इन्होंने शेवरॉन का प्रोविजन किया है मॉडल क्लब को प्रमोट करने के लिए। इसी प्रकार जो हमारे कैंपेन 100 के जो हमारे डोनर्स हैं उनके लिए एक बेस पिन उन्होंने बनाई है कि यदि $300 to $600 तक यदि कोई व्यक्ति डोनेट करता है तो उसको बहुत ही खूबसूरत लाइन्स ऑफ सर्विस उसको पिन मिलेगी। यदि वो $800 to
$1,000 तक यदि देता है तो उसको लाइन्स ऑफ काइंडनेस की पिन मिलेगी, और इसी तरह लाइन्स ऑफ एक्शन और लाइन्स ऑफ डेडिकेशन की भी उसको पिन प्राप्त होगी। ये लायंस क्लब इंटरनेशनल ने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम बना के रखे हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें एक लायंस शेयर प्रोग्राम है, लायंस शेयर इज एनुअल प्रोग्राम दैट रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डोनर फॉर 3 लेवल्स ऑफ सपोर्ट। यदि $50, $100, $200 यदि वो शेयर करता है मान लीजिए ग्रेजुअली हर साल, तो वो जब उसके $1,000 हो जाएंगे तो उसे MGF का रिकॉग्निशन मिलेगा, साथ में LCI ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स के लिए प्रोग्राम में उसका सपोर्ट होगा, क्लब को पैच अलग से मिलेगा, उसका रिकॉग्निशन अलग से मिलेगा। यदि $50 सपोर्ट करते हैं तो उन्हें सिंगल स्टार पिन मिलती है, $100 यदि वो डोनेट करते हैं तो डबल स्टार पिन मिलती है, और यदि $200 यदि डोनेट करते हैं तो उसमें उनको 3-स्टार की पिन मिलती है। ऐसे ही हमारे मेजर डोनर्स के लिए भी उन्होंने $1 million, $2 million और $3 million का यदि वे लोग डोनेशन देते हैं तो उनके लिए अलग गोल्ड और प्लेटिनम पिंस का प्रोविजन किया हुआ है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं मेरा इस प्रेजेंटेशन का यदि मैं कहूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लब। हमें MGF ना बने, MGF उतने वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा बने तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें मोटिवेट करना है हमारे क्लब के अंदर, क्लब में 100% कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर्स बनाने के लिए। उसके लिए भी लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने प्रोविजन किया है, देखिए इस वीडियो को। फॉर गिफ्ट्स ऑफ 20, 50 और 100 US dollars, डोनर्स रिसीव अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर पिन। Clubs are awarded a banner patch and chevron for the first year of 100% contributing membership. Some Lions clubs add the contributing member cost to annual membership fees because they recognize the value of LCIF. It doesn't matter how much you give to the foundation, every dollar counts. We do great things and we change lives. Each dollars count. हम बहुत बड़ा बड़ा contribution ना दें, पर यदि हम थोड़ा भी contribution देते हैं, हम $10 देते हैं, हम $20 देते हैं, हम $50 देते हैं Lions Club International Foundation को, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि chat box में लिख के सिर्फ मुझे ये बताएं कि जो हमारा LCIF का contribution हम देते हैं उसमें कितना percent service के लिए जाता है और कितना percent administrative activity के लिए जाता है। प्लीज मैं यहाँ पे मेरे जितने लॉयन मेंबर्स हैं प्लीज चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं प्लीज। यदि किसी ने $100 डोनेट किए हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को तो सर्विस एक्टिविटी के लिए उसमें से कितना अमाउंट जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए कितना अमाउंट जाएगा। लालजी वर्मा कहते हैं 100%, दिलीप मोदी जी कहते हैं 100%, आलोक नाथ जी कहते हैं 100%, अतुल शाह जी कहते हैं 100%, अशोक अग्रवाल जी कहते हैं 100%, और मैं इस आपके इन जवाबों को लॉक करता हूं। सबसे अच्छी बात यह कि हमारा एक एक पैसा, एक एक हमारा डॉलर रुपए, पता नहीं हमें भी नहीं पता। अभी आपने देखा होगा साउथ के अंदर एक बहुत फेमस एक्टर राजकुमार एक्सपायर हो गए, उस व्यक्ति ने अपनी आईज डोनेट की, उसने पता नहीं कितना डोनेशन किया, जब उसके जो चला गया तो पता लगा कि कितना बड़ा इंसान था वो। जब उसने आईज डोनेट की तो उससे 4 लोगों को फायदा हुआ, तो आज उसके जाने के बाद उसको नहीं पता कि वो 4 कौन लोग हैं जो उसकी आंखों से देख रहे हैं, पर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक मन के अंदर एक भाव, वो आत्मा जहां भी होगी उसे कितना सुकून मिलेगा, वो व्यक्ति जब भी देखेगा उसको दुआ देगा। आपके द्वारा दिया गया, चाहे हम मंदिर में डोनेट करते हैं, हम गुरुद्वारे में डोनेट करते हैं, हमारे पास बहुत सारी जगह है डोनेट करने की, हमें पता है कि हमने इसको डोनेट किया, हमारे पास कोई मांगने के लिए आया, पर आप सोचिए कि हम उन लोगों को डोनेट करें कि हमारा दिए हुए पैसे से यदि किसी अफ्रीका के अंदर यदि किसी को खाने के लिए रोटी मिले, किसी की आंखें लगे, किसी के कैंसर का इलाज हो, किसी की डायबिटीज ठीक हो, तो इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है।
हमारे पास में और भी बहुत सारे रिकॉग्निशंस प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। एक फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड, एक LCIF हेल्पिंग हैंड्स अवार्ड भी लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने, क्लब अवार्ड। यदि क्लब $1,000 यदि प्रदान करता है तो उसको चाहे तो प्लेक ले ले, चाहे तो उसको एक बहुत अच्छा पैच हमको मिल सकता है अपने क्लब में लगाने के लिए। हम MJF बैनर पैच हमको जैसे मिलता है, आपने देखा 100% MJF बैनर। यदि हमारे 100% मेंबर यदि MJF बनते हैं तो उसके लिए एक अलग से हमें बैनर मिलता है। 100% कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स, क्लब रिसीव 100% मेंबर सपोर्ट बैनर पैच एंड शेवरॉन द फर्स्ट टाइम एवरी मेंबर बिकम अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर। आप अपने क्लब के चाहे 20 मेंबर हो चाहे 50 मेंबर हो, उनको मोटिवेट करें कि आप लोग जितना भी मिनिमम $10, $20 हर साल आप अपनी फीस के अंदर उसको ऐड कर दें। जैसे कुछ लोगों ने करके रखा हुआ, फीस ही उन्होंने बढ़ा दी है ताकि उसका एक पार्ट हम लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन को दे सकें। इस तरह डिस्ट्रिक्ट अवार्ड है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है, जिस क्लब जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एवरी क्लब डोनेट टू LCIF उसके लिए उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया हुआ एप्रिसिएशन का। इसी तरह पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट जो वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा LCIF को मदद करते हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। कॉरपोरेट अवार्ड्स, $1,00,000 जो लोग LCIF कॉरपोरेट्स जो मदद करते हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स मिलता है, कॉरपोरेट को प्लेक मिलते हैं। मेमोरियल डोनेशन, LCIF रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल हु डोनेट द फंड रेजिंग द मेमोरी ऑफ अनदर, इसके लिए भी इंटरनेशनल ने प्रोविजन किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, मेरा एक बहुत अच्छा कली गवर्नर है KL परमार, लायंस क्लब वो बॉम्बे से बिलोंग करता है, उसका खुद हस्बैंड वाइफ तो MJF है, उसका बच्चा पैदा हुआ और उसने उसके पैदा होने के फर्स्ट डे उसको MJF बनाया। आप देखिए कि लोगों के अंदर मदद का जो जज्बा है, उसके बाद बहुत सारे सोर्सेस थे, वो चाहता तो मंदिर में जाके डोनेट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, पर उसे एक लायन होने का इतना गर्व है, इतना उसे प्राउड है, उसे इस फैमिली में उसे ऐसा लगा कि मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे इस परिवार में क्यों ना जाए, तो उन्होंने और उसने प्रण लिया हुआ है कि ना सिर्फ उसने अपने आप को बल्कि अपने ब्रदर के अपने सिस्टर के उनको भी मोटिवेट करता है कि यदि आपके यहाँ जितने बच्चे हैं आप सब उनके नाम से आप MJF का डोनेशन दें। आइए हम मल्टीपल 3-4 की बात करें, हमारा 3-4 भी कम नहीं है। ये लास्ट 4 ईयर्स के फिगर है मल्टीपल 3-4 के जो उन्हें ग्रांट मिली है। जैसे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे D1 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसे 2,63,000 की ग्रांट मिली है फ्रॉम 2018 से लेके 2021 तक। D2 को जो ग्रांट मिली है करीब $4,85,000 की मिली है। H1 को जो ग्रांट मिली है $4,30,000 की मिली है। H2 को जो ग्रांट मिली है $12,08,000 की मिली है। मल्टीपल को एक अलग से उन्होंने ग्रांट दी है PR के लिए 1,75,000 की। इस तरह कुल 25,63,000 की ग्रांट अभी तक इस मल्टीपल को पिछले 5 सालों में मिल चुकी है। अब आप देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमें जो ग्रांट मिली है D2 की यदि मैं बात करता हूं तो D2 का जो टोटल डोनेशन है, टोटल डोनेशन के अगेंस्ट में उसे ग्रांट मिली है, सिर्फ ये ग्राफ देख लीजिए आप, मेरे पास फिगर भी है, उस फिगर को यदि आप चाहे तो मैं बता भी सकता हूं, लेकिन हमारा जो डोनेशन है वो ग्रीन से मैंने इंडिकेट किया हुआ है और हमें जो ग्रांट मिली है वो मैंने पिंक से डोनेट किया हुआ है। इसी प्रकार जब डिस्ट्रिक्ट 3-4 H2 की बात करता हूं तो इनको 12,08,000 की ग्रांट मिली है और इनका डोनेशन देखिए जो ग्रीन है, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना और कितना हमें वापस मिल रहा है। मेरे बहुत सारे क्लब के लोग मुझसे पूछते थे पहले कि हम लोग इतना पैसा इंटरनेशनल हमसे लेके जाता, हमें देता क्या है। तो जब ये प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था मुझे पहले भी पता था, लेकिन आई एम रियली सरप्राइज कि कहते ना कि आप इस हाथ से यदि मान लीजिए आप जितना देते हो उसका 10 गुना लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन आपको वापस करता है। इसी प्रकार यदि मैं H1 की बात करूं तो H1 को भी $4,30,000 की इनको ग्रांट मिली है और आपका डोनेशन देखिए ग्रीन के हिसाब से उसके मुकाबले काफी कम है। और इसी प्रकार यदि D1 की बात करूं तो D1 को भी ग्रांट करीब 2,63,000 की ग्रांट मिली है और उनका भी जो डोनेशन है वो उस मुकाबले काफी कम है। तो जहां यदि हम इतनी इतनी ग्रांट यदि हमको मिल रही है, हम इतने लोगों की मदद देखिए, मतलब ब्लड बैंक चल रहे हैं, हमारे आई हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, हम फ्लड रिलीफ कर रहे हैं। मैं पढ़ रहा था मुझे इतनी खुशी हो रही थी, कहीं पे ब्लड बैंक, कोई किचन हॉस्पिटल चल रहा है, कहीं पे डायबिटीज केयर सेंटर चल रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है, कि
कहीं पे डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहे हैं, तो ये सारे जो हमारी ब्रांड इमेज को बढ़ा रहे हैं, हमें लायंस होने पर जो गर्व महसूस कर रहे हैं, ये सारी फंडिंग हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन करता है और हमें इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है उस डोनेशन के द्वारा, तो हम क्यों ना जो हमें मिल रहा है हम उसे दोनों हाथ से वापस करें, हमारे सारे मेंबर्स को बताएं, कंपलसरी कोशिश करें कि इन पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने डिस्ट्रिक्ट में इतना हाईलाइट करें, अपनी पिकनिक वहां पे बनाएं, लोगों को लेकर जाएं, उन्हें पता लगे कि आज लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा कितनी मदद हो रही है, कितने लोगों की सेवा हो रही है। आइए हमारे इस मल्टीपल के हीरो को देखें, कुछ बड़े बड़े स्टार्स को। डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 में कुल PMJF है 7, MJF है 94, D2 के अंदर PMJF है 12, MJF है 237, डिस्ट्रिक्ट H1 में PMJF है 8, MJF है 181 और 3234 H2 में PMJF है 23 और MJF है 299। आप सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अभी भी हमको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोगों को MJF और PMJF बनाना है। टोटल फिगर ऑफ मल्टीपल यदि मैं देखूं तो फुल टोटल PMJF है 50 और MJF हमारे पास में इस मल्टीपल के अंदर 811। कुछ हमारे स्टार्स हैं मल्टीपल के हाईएस्ट डोनर्स, जैसे कि 6 डायमंड, जैसे कि आपको पता है कि PMJF जब बनते हैं, एक बार डोनेशन हम देते हैं MJF के लिए, जब हम उसको दोबारा $1,000 देते हैं तो 1 डायमंड पिन, 2 बार देते हैं तो 2 डायमंड पिन, 3 बार डोनेशन देते हैं तो 3 डायमंड पिन, 4 डायमंड पिन, 5 डायमंड पिन और 6 डायमंड पिन। लायन राजेंद्र सिंह रकवाल जो औरंगाबाद बलूच के हैं, डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 के, वे हमारे अभी इस मल्टीपल के हाईएस्ट डोनर है 6 डायमंड पिन। उसके बाद मैं देखता हूं तो 3234 H2 के डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी राठी अमरावती प्रीमियम क्लब के हैं, आप 5 डायमंड आप डोनर हैं। साथ ही यदि मैं डिस्ट्रिक्ट D2 की बात करूं तो पीताम्बर धवलानी जी जो पूना किरकी के हैं, वे भी 3 डायमंड डोनर हैं। और मुझे बहुत अच्छा बताते हुए लग रहा है कि हमारे पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन और हमारे एरिया लीडर जो हैं जयेश ठक्कर जी, वे भी 3 डायमंड लीडर हैं, 3 डायमंड डोनर हैं। साथियों आखिर में मैं आपसे, फोकस एरिया मेरा है, हमें टारगेट करना है MJF के साथ हमारे क्लबों के कंट्रीब्यूशन को 100% कॉन्ट्रीब्यूटिव मेंबर्स बनाना, मैक्सिमम क्लब्स। यदि आपके पास 100 क्लब है तो टारगेट करें कि 50 क्लब्स में 100% कॉन्ट्रीब्यूटिव मेंबर्स होने चाहिए, वो क्लब को अलग से पैच मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको भी ओहदा मिलेगा, जब आप जाएंगे तो लोग आपको याद करेंगे कि वो गवर्नर आया था जिसने इतने बढ़िया इतने सारा काम किया। आप सब लोगों को LCIF की भी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सुना और मुझे आप लोगों के बीच आके बहुत अच्छा लगा। अब यदि आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वीडियो के साथ LCIF is our foundation. Yours? Mine? La sienne, la leur. La pertenencies of the world are great. And no individual lion, club, or district can take them on alone. And with your support, together, we will continue to improve lives around the world far into the future. LCIF gives me the opportunity to support my neighbor, 甚至于社区, mon pays, et notre monde. I support LCIF because I believe in the mission to rid the world of preventable blindness. 국제재단은 기아, 소아암 및 안경 문제로 외요. Our foundation is fighting diabetes, a growing epidemic. LCIF supports disaster relief long after other agencies have left the scene. あなたの寄付が視覚障害のある方々への力になります。 Our foundation converts our enthusiasm into a global moment of kindness. Donating to LCIF is not just a gift. We can do so much more. LCIF es nuestra fundación. Our foundation. Our foundation. Our foundation. 私たちの財団です。 LCIF is our foundation. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बग्गा जी,
इट वॉज अ नाइस प्रेजेंटेशन और काफी इंफॉर्मेटिव था, काफी चीजें इसमें जो आपने इंक्लूड की थी वो काफी लोगों की जानकारी के लिए नया था, इसके लिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि LCIF मेरा एक, अगर से पर्सनली अगर से मुझसे पूछते हैं तो एक मेरा दिली सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद उसमें पिछले 5 वर्षों से कंट्रीब्यूट करते आ रहा हूं, और साथ ही साथ काफ़ी ऐसे मैंने ग्रांट्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और ख़ास तौर से नांदेड़ के लिए मैंने LCIF से के माध्यम से लाए हैं, और मेरी आप सबसे और गुजारिश यही रहेगी कि किसी भी तरह क्यों ना हो हम अपने LCIF फाउंडेशन को सपोर्ट करते रहे, इसका हाथ हम बढ़ाते रहे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा जी। और दोस्तों, हम हमारे सेकंड प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं, और हमारे जो प्रेजेंटर है लालजी वर्मा जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट 321B1 लखनऊ से है, और उन्होंने 1985 में लॉयनिज्म को ज्वाइन किया है। तो प्रेजेंटर बग्गा जी और लालजी वर्मा जी का This meeting is being recorded. उनका मैं यहाँ पर बहुत 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 बग्गा और लालजी वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि आज आपने जो प्रेजेंटेशन किए है उसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद मानता हूँ। साथ ही हमारे काउंसिल चेयरमैन और डीजी टीम और सारे जो कैबिनेट ऑफिसर्स, क्लब ऑफिसर्स जो आज यहाँ पर उपस्थित थे, उन सभी का मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन हम लोग यहीं क्लोज करते ऐसा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही हमारे जो आज टेक्निकल एडवाइज़र, अपना टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने दिया था, मंदार दाते, उनका भी यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी मानता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू जय भाई। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। जय भाई एंड करता हूँ। यस 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 प्लीज।